हम मैंने आज आप मॉल के दो क्वेश्चन कराने हैं मॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो कम्बस्टन एनालिसिस का होगा जिसमें आप सी एक्स एच वाई मतलब हाइड्रोकार्बन को फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला और जो सेकेंड क्वेश्चन होगा बेटा वो टाइट्रेशन से रिलेटेड है तो आज मैंने दोनों क्वेश्चन थोड़े से आसान वाले निकाले हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट क्लास में जो कल होगी उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मजीद में बढ़ा दूंगा लेकिन आज दोनों क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं तो मैंने आपको बता दिया टारगेट हमारा आज क्या करना है बेटा हमने मोल के दो क्वेश्चन सॉल्व करने मोल से रिलेटेड जिसमें कैलकुलेशन होगी एक क्वेश्चन जो है वो टाइट्रेशन से रिलेटेड है और एक क्वेश्चन जो है वो कम्बसन ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसमें आप सी एक्स एच वाई ये बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है मालिक बेटा अगर आप मुझे ये बता दो कि स्क्रीन आपको नजर आ रही है और मेरी आवाज भी आ रही है आप लोगों को क्वेश्चन होगा तो बेटा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे किसी इस को दोबारा एक्सप्लेन कर दें मैं कोशिश करूंगा बेटा बिल्कुल स्लो स्लो एक्सप्लेन करूँ और ये जो वर्कशीट आपके सामने नजर आ रही है ना आपको बेटा जो वर्कशीट आपको नजर आ रही है ये इंशाल्लाह हम सारी मुकम्मल करेंगे इसी ऑनलाइन क्लास में ठीक है इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये देखें इसमें आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे विटामिन 27 क्वेश्चंस हैं तो ये 27 के 27 क्वेश्चन भी इंशाल्लाह हम करेंगे इसी ऑनलाइन क्लासेस में प्लस रिडॉक्स और इसके अलावा एमसीक्यूज भी तो आपने ये क्लास बस अब रेगुलर अटेंड करनी है डेज मैंने आपको बेटा बताए हुए हैं वेडनेसडे थर्सडे और सैटरडे ठीक है टाइम यही होगा 10:00 बजे ऑनवर्ड तो अब बेटा हम आज जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन निकाला है टाइट्रेशन के टाइट्रेशन होगी और आप इसमें परसेंटेज इम्प्योरिटी बताएंगे तो ये है जी क्वेश्चन आप सामने आप लोग जरा एक मिनट क्वेश्चन को खुद भी पढ़ने बेटा एक मिनट में पहले क्वेश्चन को खुद पढ़े और इसमें से बेटा आज सारे क्वेश्चन नहीं करने हैदर ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे इनशाला हर रोज दो दो तीन दिन क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा बर्डन नहीं बनाओ और मोल और रिडॉक्स ये दोनों टॉपिक्स भी आपके मॉक से पहले पहले पूरा हो जाए ठीक है बाकी ऑर्गेनिक की क्लासेस जो है मैं पे लूंगा अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को जरा रीड कर लें इसमें अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर है ठीक है अमोनियम सल्फेट इज वाइडली यूज एज ए फर्टिलाइजर याद रखिये बेटा ये जो तो अमोनियम सल्फेट है ना ये एसिडिक इन नेचर है रीजन इज इसमें अमोनियम आइन है और सल्फेट आइन है तो सल्फेट आइन तो नहीं लेकिन अमोनियम आइन जो है इट हैज़ एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। अमोनियम आइन अपना H+ प्लस डोनेट कर सकता है ना NH3 में और H+ इसलिए अमोनियम सल्फेट में जो अमोनियम आइन है उसकी एसिडिक नेचर है इसलिए ये अमोनियम सल्फेट किससे रिएक्शन करेगा बेस के साथ रिएक्शन करेगा ठीक है तो ये बात याद रखिएगा कि अमोनियम सल्फेट इस एसिड इन नेचर क्या रीजन है अमोनियम आइन एन एच फोर प्लस इज द रीजन अब क्वेश्चन वो ये कह रहा है इन ऑर्डर टू डिटरमिन इट्स प्यूरिटी आपके पास ना बेटा फर्टिलाइजर है उसमें अमोनियम सल्फेट कितने परसेंट है ये आपने फाइंड आउट करना है

कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अमोनियम सल्फेट इन योर फर्टिलाइजर ये आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपने क्या करना है देखें ये फाइंड आउट करने के लिए आप अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन करवाएंगे एनएओएच के साथ एक्सेस ऑफ एनएओएच है आप इसको ऐसे समझ लें मैं साथ में डायग्राम बेटा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आए फर्टिलाइजर है इसके अंदर अमोनियम सल्फेट है कुछ अमाउंट में प्योर नहीं है अगर तो प्योर होता फिर तो जितना मैस था वही सारा अमोनियम सल्फेट होना था ना तो फर्टिलाइजर में भी अगर टेन ग्राम होगा suppose, तो ग्राम अमोनियम सल्फेट है एट ग्राम है कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है तो कह रहे इस अमोनियम सल्फेट के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हैं एक्सेस ऑफ एन ठीक है मतलब आप NaOH ज्यादा ऐड करेंगे कि NaOH सारे अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन करने के बाद ना कुछ NaOH इस बीकर में स्टिल अनरिएक्टेड रहेगा ये मतलब होता है एक्सेस ऑफ NaOH का ठीक है बेटा आपने जब NaOH डाला तो इस बीकर में NaOH प्रेजेंट होगा तो आफ्टर रिएक्टिंग आप कहेंगे कि इसमें NaOH प्रेजेंट है अच्छा आपने कितना NaOH डाला जी वो आपको कंसंट्रेशन बताएगा कि पहले रिएक्शन देख लें

देखिए लेकिन एचसीएल आप ऊपर से ऐड करेंगे तो एचसीएल की कंसेंट्रेशन आपको पता होगी कि एचसीएल कितने हैं ये आपको पता होगा ना तो उससे आपको अनरिएक्टेड एनोवेस्ट पता चल जाएगा तो कैसे होगा ये सारा काम जरा आगे देखते जाएं बेटा तो फिर सुन ले कि आपके पास एक फर्टिलाइजर है अमोनियम सल्फेट आपने ये बताना है कि इस फर्टिलाइजर में अमोनियम सल्फेट कितना है तो ये बताने के लिए वो कह रहा है कि आप ऊपर से NaOH ऐड करें एक्सेस में एक्सेस ऑफ NaOH जब ऐड करेंगे ना क्योंकि NaOH बेस अमोनियम सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर तो इनका रिएक्शन होगा लेकिन कुछ NaOH अनरिएक्टेड रह जाएगा ये जो बेटा अनरिएक्टेड NaOH रह गया है ना इसका अब आप फर्दर रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो HCl के साथ इसका रिएक्शन होगा तो अब जरा बेटा पहले आप इसका रिएक्शन यहाँ पर इक्वेशन देख लें इनिशियल रिएक्शन क्या होगा अमोनियम सल्फेट प्लस मैं आपको एक बात लेवल से क्या होता है अमोनिया गैस रिलीज होती है अमोनिया गैस अमोनियम आयन में जब आप एन डालते हैं तो अमोनिया गैस रिलीज होती है अमोनियम आयन इज एसिडिकमोनियम आयन एसिडिक है ना तो अपना रिलीज कर देगा जब एच एन रिलीज करेगा तो पीछे अमोनिया बच जाएगी तो इसलिए बेटा याद रखिएगा कि अमोनियम के अंदर अमोनियम सल्फेट में वो एन एच एड करवा रहा है ये देखें तो क्या बनेगा एक प्रोडक्ट उसने बता दिया अमोनिया बनेगा अब दूसरा प्रोडक्ट है क्या होगा ये देखें अमोनियम सॉरी नाइट सोडियम सल्फेट एन और तीसरा प्रोडक्ट देखें ओ और यहां से एच वाटर बनेगा तो ये बेटा तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे अभी इसको बैलेंस कर लेते हैं कि बैलेंसिंग कैसे होगी जी इसकी ठीक है देखिए आप अगर अमोनियम सल्फेट में अमोनियम आयन को देखें तो अमोनियम आयन बेटा दो दफा लिया हुआ है ना NH4 twice तो इसका मतलब है दो मोल अमोनिया बनेंगे क्योंकि अमोनिया कौन बना रहा है अमोनियम आयन बना रहे हैं ये जो NH4+ है ना बेटा ये एच फोर एस एमोनिया बना रहे तो जितने अमोनियम होंगे उतने अमोनिया बनेंगे तो इसलिए दो अमोनियम है तो टू मोलियां बेटा ओवेच यहां पर दो हैं तो टू मोल्स ऑफ वाटर बनेगा ये तो होगी आपकी इक्वेगन बैलेंस अगर इक्वेगन बेटा बैलेंस नहीं करेंगे ना तो आगे जाकर आपकी सारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी ठीक है अब जरा देखें रे ये इक्वेशन आपको खुद करनी है अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इक्वेशन हम कैसे करेंगे तो बेटा मैं दोबारा बता देता हूं देखें ये है अमोनियम सल्फेट और ये है आपके पास NaOH आपको ये पता है कि अमोनियम आयन एसिडिक इन नेचर होता है ठीक है और आपने ये ओ लेवल से पढ़ा है बेटा अमोनियम आयन का टेस्ट आपने पढ़ा है अगर आपको याद हो कि NH4+ में अगर आप NaOH डालेंगे तो क्या होता था एन एच फोर अपना एक एच आईन हाँ रिलीज करेगा राइट जब एन एच फोर से एक एच हाँ आईन निकलेगा तो पीछे क्या बच जाएगा अमोनिया और ये जो बेटा एक एच हाँ आईन निकलेगा ना यहाँ से एक एच हाँ आईन और एक ओ OH, एच ये मिलकर क्या बनाएंगे वाटर ये तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है ना और जो अमोनियम का नेगेटिव पार्ट है सल्फेट जो चीजें बच गई हैं वापस हम बॉन्ड बना देंगे ये देखें सोडियम सल्फेट एन ए टू एस ओ फोर तो ये आपने इक्वेजन खुद बनानी है बेटा इक्वेजन आपने खुद बनानी होगी सिंपल है कोई मुश्किल नहीं है अच्छा बेटा कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं अच्छा बेटा ये देखिए अब है क्वेश्चन कि उसने जो फर्टिलाइजर है ना बेटा फर्टिलाइजर वो कितना लिया है फाइव ग्राम्स फाइव ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर कंटेनिंग अमोनियम सल्फेट अच्छा फाइव ग्राम जो फर्टिलाइजर है ना ये मत समझे कि उसमें सारे के सारा अमोनियम सल्फेट है नहीं

रेशो मेथड से भी बता दूंगा अब देखिए क्या कह रहे जी कह रहे कि आपने आपने क्या करना है जी ये एक्सेस ऑफ एन आप अमोनियम सल्फेट में डालें तो क्या होगा आप ऊपर रिएक्शन देख लें जी क्या होगा अमोनिया गैस रिलीज होगी तो कह रहे व्हेन ऑल द अमोनिया हैड बीन ड्रिवन ऑफ द सॉल्यूशन वाज कूल्ड द रिमेनिंग एनएओएच जब अमोनिया गैस निकल गई सारी तो जो रिमेनिंग एनएओएच है ना ये देखें ये देखिए बेटा ये सेकंड डायग्राम ये जो रिमेनिंग एनओच है जिसको मैंने लिखा है लेफ्ट एंड रिएक्टेड इसका रिएक्शन आपने करवाना है किसके साथ एच के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ठीक है तो द रिमेनिंग एनओए एच वॉज देन टाइट्रेटेड विद वन मोल ऑफ एच सी एल है यहां पर भी बेटा एक चीज नोट करें कि आपको एच का वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन दी हुई है आपको फिर बता रहा हूं अगर किसी सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हो कंसेंट्रेशन दी हो दोनों को मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड थाउजेंड करें तो उस चीज के मोल्स आ जा जाते हैं तो अब वो कह रहे जी ये जो है न, इसको करवाने के लिए कितना चाहिए था वन मोल और थर्टी वन पॉइंट टू क्यूबिकीटर कह रहे तो सिंपल तो है

पॉइंट टू क्यूबिक सेंटीमीटर और इसकी जो कंसेंट्रेशन थी ना वो वन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर थी बताइए कहा यूज हुआ है ये जो नीचे एन एच था ना ये जो नीचे एन एच था बीकर में इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने ऊपर से जो एच सी एल डाला है वो इस एन एच को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो एन -HCL का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है वो कह रहे हैं थर्टी वन पॉइंट टू क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम यूज हुआ है एच सी एल की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा उसने आपको बता दिया मोल पर एच सी एल की है। आपने क्या बताना है? है आपने बताना बताएं के मोल्स कितने होंगे तो मैं पहले फॉर्मूले से बता देता हूँ फिर रेशो बता दूंगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय था नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 बेटा वैल्यूज पुट करें कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है 31.2 कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 1 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इसको आप सॉल्व कर ले बेटा कैलकुलेटर आप लोगों के पास होना चाहिए सॉल्व करें इसको जल्दी से 31.2 डिवाइडेड बाय 1000 जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन टू मोल्स बेटा देखिए ये क्या मतलब है जी इसका इसका मतलब ये है कि आपको एच के कितने मोल डालने पड़े ब्यूरेट से इन टू दी फ्लास्क ताकि एन सारा यूटिलाइज हो वो कह रहा है आपने जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन टू मोल्स एच के ऐड किए हैं क्यों ऐड किए हैं ताकि इस एन को न्यूट्रलाइज किया जा सके अगर रेशो मैथेड यूज करना चाहते हैं तो ये देखिए बेटा रेशो जाएगा कोई मुश्किल नहीं है रेशो से कैसे निकालेंगे बेटा से ना ज्यादा आसान होता है आप ये कंसेंट्रेशन को बस देखें पहले इस कंसेंट्रेशन में बेटा दो चीजें एक मॉल और एक वॉल्यूम तो आप यहाँ रेशो बनाए मॉल और वॉल्यूम में बेटा क्यूबिक डेसीमीटर का क्या मतलब होता है क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब होता है थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर वन क्यूबिक डेसीमीटर मीन क्यूबिक सेंटीमीटर तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में एचसीएल के कितने मोल आ रहे हैं वन देखिए ये चीज मेरे कहां से पता चली भाई कंसेंट्रेशन से ये जो कंसेंट्रेशन लिखी है ना इसने यहां से मैंने ये रेशियो बनाई है कि क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और इसमें कितने मोल आ रहे हैं वन मोल आ रहे हैं तो आपको रेशियो बन गई कि थाउजेंड क्यूबिक सेंटीमीटर में वन मोल है आपने कितने मोल यूज किए भाई आपने यूज किए थर्टी

आपने एचसीएल को ऐड किया है किसके साथ रिएक्शन करवाने के लिए इस अनरिएक्टेड एन को रिएक्ट करवाने के लिए ये अनरिएक्टेड क्यों है बेटा ये इसलिए अनरिएक्टेड है कि आपने फर्स्ट डायग्राम में बीकर ए में देखें आपने ना एक्सेस ऑफ एन डाला था एक्सेस ऑफ एन का मतलब है कुछ एन तो रिएक्शन कर दिया था अमोनियम सल्फेट से तो जो एन बच गया था ना जो एन बच गया था उस एन का बीकर बी में मैंने रिएक्शन करवाया

के आपने कितने लिए थे थे जो कि वो तो यहां पर भी देखें है है दोनों को मल्टीप्लाई करेंड करें आपके पास मोल्स आ जाएंगे टोटल मोल्स तो मैं यहां पर टोटल मोल लिख देता हूं आसानी के लिए कि टोटल मोल्स आपने निकालने जो एक्सेस में थे वो कैसे निकालेंगे बेटा क्वेश्चन में वॉल्यूम भी गिवन है और क्वेश्चन में

ये, जो 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 है ना, ये टोटल मोल्स ऑफ एन एच है टोटल मोल से बताया क्या मुराद है ये डायग्राम में टोटल मोल से मुराद बेटा ये मुरादा जीरो पॉइंट वन मोल्स आपने एड किए बीकर ए में जो वो कह रहा था ना आपने एक्सेस ऑफ एन ओ एच एड किया है जिसमें से कुछ एन एच बच गया है तो वह एक्सेस ऑफ एन एच के कितने मोल है जीरो पॉइंट वन मोल है क्या जीरो पॉइंट वन मोल सारे के सारे मॉल्स ने अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन किया नहीं कुछ बच गए हैं सब के सब ने रिएक्शन नहीं किया कुछ मॉल के बचे हैं तो वो अपने फाइंड आउट करना है। बड़ा आसान है कैसे। अब में आए। में ये कह रहा है यूज योर आंसर टू वन वन क्या है जरा देखिएगा वन में बेटा इक्वेशन है हम यहां लिखते जाते हैं चले एनए और एच में आपको पता है वन टू वन रेशियो है ना ये इक्वेशन वन होगी वन टू वन रेशियो है यूज़ योर आंसर टू टू आंसर टू क्या है बेटा आपके पास जो तो HCl के मोल है ना रिएक्टेड मोल वो 0.0312 है तो मोल्स ऑफ़ HCl जिन्होंने रिएक्शन किया NaCl के साथ वो कितने हैं 0.0312 ये टू है जी थ्री क्या है बेटा आपके पास टोटल मोल्स भी आपके पास है टोटल मोल्स ऑफ ये कितने है जी वन अब बेटा देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है अब वो कह रहा है कि आप क्या बताएं यूज योर आंसर टू वन टू एन थ्री कैलकुलेट दिन मॉल ऑफ एन एच यूज अब इन द रिएक्शन ऑफ अमोनियम सल्फेट बेटा आपने बताया क्या बनाया इस डायग्राम पर दोबारा ये जो डायग्राम है बीकर ए और बी आपको दिख रहा है ना बीकर ए में आपने कितने मोल डाले थे बेटा जीरो पॉइंट वन ये के टोटल मोल थे ठीक है जो के एक्सेस में थे मैं बेटा एक मिनट आप लोगों के साथ थोड़े से क्वेश्चन देख लू पहले बेटा एक मिनट हम आज पहले बीस को समझ लो जो मैं बता रहा हूं बेटा देखें बीकर ए में जो आपने स्टार्टिंग मोल्स डाले थे NaOH के वो हैं 0.1 और ये एक्सेस में है ठीक है इसमें से कुछ मोल बच गए थे क्वेश्चन उसका पता क्या है कि ये बताएं 0.1 मोल जो NaOH के हैं 0.1 मोल जो NaOH के हैं कितने मोल्स NaOH के उन्होंने रिएक्शन किया है अमोनियम सल्फेट के साथ कितने मोल्स NaOH के ऐसे हैं जिन्होंने अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन किया तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा हमें यह तो नहीं पता ना कितने मोल ने रिएक्शन किया है लेकिन हमें यह पता है कि जो मोल्स बच गए थे ना जो मोल्स NaOH के बच गए थे बीकर बी में उसको आपने किससे रिएक्शन करवाया ऊपर HCl से और आपको यह भी पता है कि HCl के कितने मोल है HCl के कितने मोल यूज हुए हैं 0.0312 ये मोल HCl के यूज हुए तो बेटा क्या अगर आपको यह पता है HCl के मोल 0.0312 हैं जो आपने ऊपर से ऐड किए हैं तो नीचे NaOH के कितने मोल होंगे क्या 0.0312 नहीं होंगे क्या 1 टू 1 रेशियो है अगर आप HCl के मोल ऊपर से 0.0312 ऐड कर रहे हैं फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इट मींस कि नीचे जो अनरिएक्टेड मोल थे जिन्होंने बीकर ए में रिएक्शन नहीं किया था वो भी 0.0312 होंगे तो आपके पास बेटा अनरिएक्टेड मोल आ गए अनरिएक्टेड मोल जिन्होंने अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन नहीं किया वो आपके पास आगे हैं मैं यहां लिखने जा रहा हूं अब जरा देखिएगा टोटल मोल्स ऑफ एन ये कितने हैं जी टोटल मोल्स ऑफ एनओ एच है मोल्स अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ एन अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ एन ये बेटा कितने आ रहे हैं देखें फिर इस डायग्राम को जल्दी से देख लें कि अनरिएक्टेड मॉल कितने आ रहे हैं बीकर बी में HCL के कितने मोल यूज हुए थे 0.0312 इट मींस अनरिएक्टेड मोल बीकर बी में 0.0312 है तो अनरिएक्टेड मोल बेटा हम यहां लिखेंगे 0.0312 अब बेटा यूज कितने हुए यूज्ड मोल्स ऑफ of NaOH बात है यूज किसमें हुए होंगे अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन कराने में यूज हुए होंगे ना तो टोटल मोल भी आपके पास है अनरिएक्टेड भी आपके पास है अब ये यूज मोल निकालने हैं तो आप क्या करें माइनस कर देंगे इसको 0.1 0.0312 तो आपके पास आएगा 0.0688 ये यूज्ड मोल ऑफ NaOH इन्होंने किससे रिएक्शन किया विद अमोनियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट से बेटा रिएक्शन किया है पर कुछ बच्चे कह रहे थे कि पिछला पार्ट जरा जल्दी से इसकी पिक्चर ले लें ले अगर आपने पिक्चर लेनी है इसकी। ले लिए बेटा अब देखिए मेरी बात सुने आपके पास एनयूएच के मोल आ गए जिन्होंने रिएक्शन किया है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एट एट बेटा आपके पास एन के मॉल आए हैं जिन्होंने रिएक्शन किया कितने है कितने मोल्स आए हैं ये के मोल्स आ चुके हैं जिन्होंने रिएक्शन किया है तो बताएं अब अमोनियम सल्फेट के कितने मोल होंगे जिन्होंने रिएक्शन किया क्या आ रही है टू रेशो वन जितने मोल्स एनएच के थे ना उसके मुकाबले में आधे मोल अमोनियम सल्फेट के होंगे तो अब देखें नेक्स्ट पार्ट में वो यही पूछ रहा होगा कि यूज योर आंसर टू फोर एन इक्वेजन ए कैलकुलेट दी अमाउंट इन मोल ऑफ अमोनियम सल्फेट दैट रिएक्टेड तो देखें आपको मैंने भी बताया कि अमोनियम सल्फेट में और एन में टू रेशो वन है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स बेटा पता है दैट इज 0.0688 तो ये टू रेशो वन है तो इसके हाफ हो जाएंगे 0.0688 डिवाइडेड बाय टू तो डिवाइड बाई टू करें जीरो यहां लिख दिया आप मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट रिएक्टेड जिन्होंने रिएक्शन किया है वो आ रहे हैं जीरो पॉइंट आ रहे हैं जी अब आपने मैथ निकालना है देखिये जब भी मॉल से मैथ जाना हो बड़ा आसान काम है एमआर से मल्टीप्लाई करना है या आपके ये आपको एक फॉर्मूला ये देख लें नंबर ऑफ मॉल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एमआर आपको क्या निकालना है जी निकालना है बाद बच्चे कहेंगे सर मैस तो गिवन है ऊपर अमोनियम सल्फेट।, सल्फेट का मैस नहीं है ये फर्टिलाइजर का बेटा मैस है अमोनियम सल्फेट इसमें कितना है वो मैस आपने फाइंड आउट करना है तो इसलिए ये मत समझिएगा कि फाइव ग्राम इज गिवन नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल चुके हैं बेटा ये देखिए जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर फोर तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर फोर ये मोल जागे मैस इन ग्राम आपको फाइंड आउट करना है एम आर ऑफ अमोनियम सल्फेट ये बेटा आप निकालेंगे ऑफ अमोनियम सल्फेट ये आपने फाइंड आउट करना है और ये कितना होता है बेटा ये होता है वन थर्टी टू एम आर ऑफ अमोनियम सल्फेट कितना है टू तो नेक्स्ट पार्ट में ने बेटा आपने मैस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर फोर टाइम्स वन थर्टी टू तो आपके पास मैथ कितना टोटल फर्टिलाइजर कितना था फाइव ग्राम आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं टोटल फर्टिलाइजर था बेटा वन थर्टी टू इज दी एम आर टोटल फर्टिलाइजर था बेटा फाइव ग्राम ना फाइव ग्राम टोटल फर्टिलाइजर था तो उस फाइव ग्राम में से फाइव ग्राम में से आपके पास अमोनियम सल्फेट कितना आ रहा है ठीक है तो अब आपके पास ओरिजिनल मैस आ गया अमोनियम सल्फेट का टोटल मैस भी पता है तो परसेंटेज निकालनी है आपने तो बिल्कुल ठीक है परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे मैस ऑफ अमोनियम सल्फेट जो अमोनियम सल्फेट का ओरिजिनल मास है 4.54 डिवाइडेड बाय टोटल मास जो होगा बेटा अमोनियम सल्फेट का वो कितना है 5 इनटू 100 ठीक है बेटा तो आप इसको जब मल्टीप्लाई कर लें बेटा 4.54 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 5 तो ये 90.8 आ रहा है तो 90.8 परसेंट जो फर्टिलाइजर था उसमें वो पर, वो प्योर था 90.8 परसेंट उसमें अमोनियम सल्फेट था और बाकी जो 9.2 रह गया बेटा वो इसमें क्या था इम्प्योरिटीज थी दूसरी चीजें थी अगर आप लोग बेटा इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं पिक्चर ले लें ले। ये ले या मैं इस तरह करता हूँ पहले इसकी ले लें बेटा पिक्चर अच्छा बेटा मेरी बात सुने ये क्लास जो है ना हम इस तरह करेंगे

आज मैंने सिर्फ वैसे दो क्वेश्चन आज कराने थे एक मैंने करा, आप कराना था कम्बसन एनालिसिस वाला भी लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम पहले सिर्फ टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन को करते हैं अब मैं आप लोगों को बेटा काम भी दे रहा हूँ आप लोग जरा अपना काम सुने कि बेटा आप इस क्वेश्चन की पिक्चर ले लेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे और कल की क्लास में हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ये देखें ये आपके सामने बेटा ये काफी मुश्किल क्वेश्चन है आप लोग जरा इसकी, इस 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 इसकी पिक्चर लें इस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन को बेटा आपने इस क्वेश्चन नंबर अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी ये जी। इसकी आप पिक्चर ले लें इस क्वेश्चन को आपने बेटा घर में करना है और कल की क्लास में मैं ये क्वेश्चन इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा ठीक है अगर आप लोगों ने पहले थोड़ा सा उसको किया होगा ना फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी अगर मैं डायरेक्ट आपके सामने ओपन करूंगा तो उस टाइम आप इतने जल्दी उसको पिक नहीं कर रहे होंगे तो एक ये क्वेश्चन बेटा देख लें एक और क्वेश्चन भी देख लें साथ ये वाला बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन चाव इसकी भी जल्दी से पिक्चर लें आपने कोशिश करनी है इन दोनों क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कहीं आप आप लोग नहीं सपोज आप सेकंड स्टेप से आगे नहीं जाएंगे कोई थर्ड से आगे नहीं जाएगा तो ठीक है जहां तक तो हो रहा है वहां तक करेंगे वहां से आगे मैं कंटिन्यू कराऊंगा क्वेश्चन नंबर सेवन की बेटा पिक्चर लें ताकि मैं उसको दूसरा पार्ट भी ओपन करूं ये लें ये बेटा कल हम इन दो क्वेश्चन को इनशाला डिस्कस करेंगे कल हम थोड़ी सी लंबी क्लास ले लेंगे एक घंटे की ठीक है आज मैंने फोर्टी मिनट की बस क्लास रखी है कल लंबी क्लास होगी